हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है इस एपिसोड में। गाइस, यस्टरडे क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग चीपर देन वाटर, क्या ये फैक्ट सही है और सिर्फ हवाबाजी? आज इसके बारे में बात करना चाहेंगे। और कल क्रूड ऑयल क्यों गिरा, अचानक से क्या हो गया, ऐतिहासिक रेट बन गया यानी कि $37 माइनस में चले गया, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कल रात क्रूड ऑयल पानी की तरह बह रहा था, राइट? सब लोग क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे थे नॉनस्टॉप की क्या हो गया अचानक से। कल रात को मेरे को भी 12 बजे, मैं कल रात को क्लास ले रहा था, अचानक से 11:30-12 बजे क्या तो मुझे कॉल आया, भाई क्रूड ऑयल में देख क्या हो गया ना। आज तक किसी ने देखा और किसी ने सोचा होगा कि क्रूड ऑयल नेगेटिव पर ट्रेड हो सकता है? हां, सही सुना, बिल्कुल एग्जैक्ट बात सही सुनी आपने। सो कल जो क्रूड ऑयल है नेगेटिव 37-35 बैरल तक 2:30 पे आपका आ गया था, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कल रात क्रूड ऑयल का नाइमेक्स यानी कि न्यूयॉर्क जो एक्सचेंज है उसमें -37 तक पहुंच गया था डॉलर बैरल में, उसका भाव सेटलमेंट हुआ, राइट? अब आप बोलेंगे कि अब पेट्रोल डीजल तो फ्री मिलना चाहिए और हमारी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कुछ भी मेरे भाई। कल अमेरिका मार्केट नाइमेक्स पर क्रूड ऑयल में मे मंथ का जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हुई, यानी कि इंडियन मार्केट में कल अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन यूएस मार्केट में, बाहर के मार्केट में एक दिन एडवांस में सेटल होता है, यानी कि वहां पे बात होती है मई मार्केट की और अभी उनका चलेगा जून मार्केट का, राइट? तो वहां पे एडवांस में सेटलमेंट होता है, ये चीज समझना। क्यों ये एडवांस वाला लॉजिक है? क्योंकि भाई डिलीवरी में सेटल होता है, इंडियन मार्केट में कोई डिलीवरी नहीं है, यूएस मार्केट में डिलीवरी में सेटल होता है, इस वजह से ऐसा है, राइट? तो अब आप बोलेंगे पेट्रोल डीजल तो फ्री मिलना चाहिए इंडिया में। ऐसा नहीं है मेरे भाई। कल अमेरिकन मार्केट नाइमेक्स पर क्रूड ऑयल मई मंथ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी। पहले ही कोरोना की वजह से ऑयल की डिमांड कम है, ऊपर से नोटिस करना, ऊपर से रशिया से चिढ़कर सऊदी अरेबिया ने भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, तो क्रूड ऑयल में वैसे ही पहले से मंदी चल रही थी। तो अब आप लोग बोलेंगे फिर भी नेगेटिव में प्राइस कैसे हो सकता है इंपॉर्टेंट? आपकी बात बिल्कुल सही है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, फिर प्राइस इतना नीचे क्यों गिरा, इसी लॉजिक को समझते हैं। इसके लिए आपको अमेरिकन मार्केट में काम करने का तरीका समझना होगा। अमेरिका में एक्सपायरी पर क्रूड ऑयल की फिजिकल डिलीवरी लेनी होती है और फिजिकल डिलीवरी ले रहे हो तो उनमें स्टोरेज का प्रावधान होना चाहिए, स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको फिजिकल डिलीवरी मिलेगा। पहले ही ऑयल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं और स्टोरेज फुल हो गया है। आजकल तो ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर काफी है। ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि डिलीवरी लेने के लिए नौबत आ जाएगी और अब एक्सपायरी पास, यानी कि कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी पास है, मार्केट में सामने से खरीद लिया है माल, अब डिलीवरी कहां ले, अपने घर में थोड़ा डिलीवरी ले लेंगे भाई। तो जिन्होंने क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखा था उनमें हो गया पैनिक कि भैया एक्सपायरी आ गई, लास्ट मोमेंट हो गया, अब क्या करें। उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ और पैनिक के वजह से डॉलर जो है $37-35 का जो आपके सामने दिख रहा है वो भी चले गया, राइट? उन्हें कोई खरीदारी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जिसके भी पास स्टोरेज था, ध्यान से समझना, जिसके भी पास स्टोरेज की प्रावधान था, फैसिलिटी थी, तो उन्होंने जिसके पास भी स्टोरेज था उनसे कहा कि भाई मेरे पैसे ले लो और डिलीवरी आप ले लो, पैसे भी ले लो डिलीवरी भी ले लो। मतलब लोगों ने अपनी जेब से पैसा देके, अपनी जेब से पैसा देके कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए हैं, माइनस में कहने का मतलब है, राइट?
अब ये जो MCX CCL जो इंपॉर्टेंट, यानी मेरे पास एक भाई सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यानी यूं समझ लो मेरे पास मिठाई बहुत सारी, यानी यूं समझ लो कि मेरे पास मिठाई है और वो मुझे बेचनी है पर कोई खरीदार नहीं मिल रहा, तो मैंने वो मिठाई हलवाई को दे दी, साथ में मैंने उसको पास कुछ पैसे भी दिए क्योंकि मेरे पास मिठाई रखने के लिए जरूरत नहीं है। अब समझे कल क्रूड ऑयल नेगेटिव क्यों बंद हुआ? अब समझ पाया कल क्रूड ऑयल नेगेटिव क्यों बंद हुआ? भाई रखने की जगह नहीं है, मिठाई खरीद भी लोगे तो क्या करोगे? तो मैंने बोला कि भाई मिठाई ले ले, पैसे भी ले तो अपने घर में रख, भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी मिठाई। समझ में आया? तो पर जून डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल काम कर रहा था। 2019 में यूएस क्रूड ऑयल $45 से $65 के बीच में काम कर रहा था। फैब के अंत में कोरोना और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, यानी कि 2020 की बात कर रहा हूं, क्रूड ऑयल में भारी गिरावट शुरू हुई। मिड अप्रैल तक अमेरिका के सारे ऑयल स्टोरेज फुल हो चुके थे, तभी से क्रूड ऑयल में गिरावट बढ़ती चली गई और एक्सपायरी आते आते कोई भी डिलीवरी लेना नहीं चाहता था, इसीलिए नाइमेक्स का क्रूड ऑयल -$37.63 पर बैरल पर बंद हुआ। इसका असर, इंपैक्ट समझ लेते हैं, इसका असर हमारे यहाँ MCX पर भी हुआ। नियमों के अनुसार MCX पर क्रूड ऑयल का सेटलमेंट अमेरिकन नाइमेक्स के रेट पर होता है, मतलब -$37.65 इनटू जो इंडियन करेंसी, जो डॉलर का रुपीस का रेट है 76.63, जो कि माइनस, जो आपने एक सेटलमेंट डेट देखा होगा गाइस ये वाला राइट, जो कि -37, मैं आपको क्लोज कर देता हूं, ये देखो 2884 पर बैरल का रेट निकाला गया है। ये कैसे कैलकुलेशन आई? $37.63 इंटू 76.63, ये अमाउंट आपको आ गया। जबकि कल MCX पर क्रूड ऑयल 981 के आसपास बंद हुआ है। कल अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 981 के आसपास क्रूड ऑयल बंद हुआ है कल इंडियन मार्केट में, जिसका सेटलमेंट अब होगा 2884 पर बैरल। यानी कि अगर आपके पास बाई था फिजिकल, तो आप नहीं कर, इंडियन मार्केट में डिलीवरी होता है, अगर आपके पास बाई था तो अब आपको सोचो जेब से देने पड़ेंगे। मतलब ये मत सोचना मेरे भाई, बाई आपका कल जब मार्केट में क्लोज हुआ 981 के आसपास रेट चल रहा था, उसकी जो सेटलमेंट होगी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 2884 पे होगा, तो यानी कि आपका नुकसान है। मतलब जिसने भी क्रूड ऑयल बाई किया होगा और वो अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया होगा, तो उसे 2884 रुपीस एक्सचेंज को देने पड़ेंगे। पर कुछ खबरों के अनुसार MCX ने, ध्यान से समझना, पर कुछ खबरों के अनुसार MCX से 1 रुपीस पर सेटलमेंट करने की परमिशन मांगी है, तो भाई ज्यादा खुश मत होना, मोदी जी आपको पेट्रोल के साथ पैसे नहीं देने वाले। समझ में आया क्या लॉजिक था? कल क्या हुआ? जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एज इट इज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा क्रूड ऑयल स्टोरेज का दिक्कत हो गया US में, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी लेनी पड़ती है आपको, अपने गोडाउन में माल रखना पड़ता है, अगर आपके गोडाउन में माल जगह नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको घर थोड़ा सड़ाओगे, तो इस वजह से माइनस में चले गया। लोग किसी भी रेट पे देने को तैयार थे, भाई ले ले मुझसे, मुझे अपने घर पे नहीं रखना है, राइट, इसलिए माइनस में चले गया। अगर आपको फायदा हुआ हो, वीडियो को समझ में आया हो, तो प्लीज गाइस एक मुहावरा मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा लास्ट में। ये तो वही बात हो गई, एक बार्बर और मेरी कहानी मैं बताता हूँ। बार्बर मेरे को बोला हेड मसाज कर दूं क्या? मैंने बोला कर दे, कौन से तेल से करेगा? बोला आलमंड ऑयल से करूंगा, 250 रुपए लगेंगे। मैंने बोला नवरत्न से करेगा कितना लगेगा? बार्बर बोला 150 रुपए लगेगा। फिर मैंने पूछा अच्छा कोकोनट ऑयल से कितना लगेगा? बोला 100 रुपए लगेगा। फिर मैंने उसको बोला भाई इससे सस्ता कुछ नहीं है क्या? तो बार्बर पता है अपने हेल्पर से क्या बोलता है, छोटू क्रूड ऑयल का बैरल निकाल लो, आज साहब की मालिश करनी है, राइट तो अगर आपको समझ में आया, थोड़ा सा हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे चल के इसी तरह के सीरीज़ में आप लोग लेते आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा तभी लेके आऊँगा भाई, सिर्फ YouTube में वीडियो बनाना है उसके लिए नहीं आऊँगा, राइट। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू।
अपना ध्यान रखें, स्टे होम एंड स्टे सेफ. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो.